और आगे के समय और संदेश के बारे में भी गुरु महाराज ने कुछ बातें कही है, तो ये चिट्ठी है संदेश के बारे में पहुँचाना। जैसे एक माँ बाप होते हैं, बालक नहीं है और बताना कि काम कैसे रहना है क्या करना, वैसे ही सब होते हैं। जब हम सब जीव अगर सही रास्ते पर नहीं चलते हैं तो हम लोगों को समय आने के बाद हम लोगों को ये बातें बताते हैं कि बच्चा जैसे 24 घंटा में आप हम लोग 24 का 24 घंटा इस दुनिया के लिए काम करते हैं, हमें उसमें से थोड़ा समय भगवान को लिए तो निकालना चाहिए, लेकिन सारा समय बस इसी माया में खेती गृहस्थी दुकान बाल बच्चे परिवार क्या लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान का कोई नाम नहीं ले रहा है, आपस में लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये रास्ता है वो रास्ता है, यही मालिक का वो गलत हो रहा है। गुरु जी यही मालिक का यही संदेश है कि बच्चा जैसे तुम दुनिया में हर काम करते हो वैसे तुम पहले शाकाहारी हो जाओ, और उसमें से 24 घंटे में 1 घंटे का समय उस जीवात्मा के लिए निकालो जो तुम्हारे साथ जाएगा, जो भजन करोगे जो भक्ति करोगे खुदा को याद करोगे भगवान को याद करोगे वही आपका है, बाकी ये दुनिया की सारी चीजें सारी नश्वर है, लेकिन हम आप इसी के लिए परेशान हैं। तो जैसे बेटे को बाप रास्ता दिखाता है वैसे हम लोगों को महात्मा दिखाते हैं। ये वक्त के महापुरुष पूज्य पंकज जी महाराज वो स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद आप पूरी शक्ति के साथ विराजमान हैं, आपको समझ में आए किताब पढ़िएगा आपको अगर अच्छा लगे, एक बार घूमते हुए आप चलिए दर्शन करिए आपको अच्छा लगे, आपको वो चीज़ें शक्ति समझ में आए, जैसे आत्मा और परमात्मा मिलने के कुछ रास्ते तो होंगे, जब हम उस रास्ते पर चलेंगे उस खुदा को याद करेंगे तभी तो खुदा हमें मिलेगा, हम याद ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा। अब माँ बाप घर में पड़े हैं, हम उनकी सेवा ना करें उनसे बोले ना तो क्या माँ बाप उनसे प्रेम करेंगे, सारी भक्ति माँ बाप का सेवा करें। तो वैसे ही जब हम भगवान को खुदा को याद नहीं करेंगे तो हमें मालिक कैसे मिलेगा, तो मिलने के लिए हमें महात्मा के पास जाना पड़ेगा, तो सच्चे महात्मा के पास जाएंगे तो हमें वो रास्ता मिलेगा और मालिक से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए आप लोग से विनती और प्रार्थना है कि आप सब लोग थोड़ा समय निकाल कर पढ़िएगा और शाकाहारी हो जाइए, क्योंकि जीव हत्या पाप होता है, शराब कहा गया है कि एक बूंद कतरा भी अगर जिस्म पे पड़ जाए तो नापाक हो जाती है, ये बाइबल में भी लिखा हुआ है, तो फिर भी हम उस चीज को अपने ऊपर डालते हैं तो ये नुकसानदायक है कि नहीं, इसलिए आप सब लोग शाकाहारी हो और किताब से